Gaya bag, Pani me. तो आज हम क्या खेलने वाले हैं? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है। या खो खो खेले। हाँ, वो भी बढ़िया रहेगा। सब सो जाओ। क्या कह रहे हो? सुनो दोस्तों, मैं आ गई। अरे नैनी आ गई। कैसे हो? ये तो नैनी का बैग छीन रहा है। कोई तो प्लास्टिक बैग पसंद नहीं। अरे मैंने कहा था, चलो जाओ यहाँ से। नैनी तुम ठीक तो हो ना? पर वो मेरा इको बैग ले गया। कौवे ने प्रकृति को बचा लिया है। मैं भी शॉपिंग के लिए ऐसा ही बैग इस्तेमाल करता हूँ। इको फ्रेंडली बैग। तुम लोगों को मेरा वो बैग वापस लाना होगा। मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। वो देखो। अरे वो रहा मेरा बैग। सुनो कौवे, मेरा बैग छोड़ दो। नैनी आखिर तुम कौवे से बात क्यों कर रही हो? मुझे यकीन है कि उसे हिंदी नहीं आती होगी। तुम भी ना नैनी। हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूं? अरे उसने बैग वापस कर दिया। उसे तो नैनी की बात समझ आ गई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या सच में? अरे वो तो उस बैग को उस तरफ लेके चला गया। अब हम उस तरफ कैसे जाएंगे? ये बहुत मुश्किल है, वो नदी के बीच में है। मसल जल्द उसे उस बैग को अपनी तरफ खींचो। हाँ, ठीक है। मैं नहीं खींच पा रहा। मसाओ ये तो कमाल की एक्टिंग थी। तुमने अच्छा किया। तुमने सच में बहुत अच्छी कोशिश की मसाओ। कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरा बैग अभी भी वहाँ पर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नदी के पार जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्या ये ठीक रहेगा? इससे क्या होगा? मैं तो एकदम डर ही गया था। ऐसा क्या? लेकिन कजामा तुम क्यों डर रही हो? तुम जो कहना चाहते हो हमें बता दो कजामा। शर्माओ मत। कुछ नहीं। बता दो ना। कुछ भी तो नहीं। कजामा आखिर तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इधर देखो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। चलो हम पानी में गिर जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, अब हम इससे उस बैग को उठा लेते हैं। हाँ, पूरी कोशिश करना। बस थोड़ी देर और। मुश्किल है। अपने कंधों का सहारा लो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस हवा से तुम्हारा पसीना सुखा रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे उधर देखो, वो बैग बांस में फंस गया है। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैं तो कमाल हूँ। ऐसा नहीं है, हमें उसे बड़े ध्यान से इधर लाना होगा, समझे? ठीक है। हाई शा, हाई शा, हाई शा। अरे थोड़ा रुक जाओ दोस्तों, बांस हिल रहा है, कहीं बैग गिर ना जाए। जरा संभाल के। अब क्या होगा? अगर ये हिलता रहा तो बैग गिर जाएगा। बैग गिरना नहीं चाहिए। ये तुमने क्या किया शिनचान? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था कजामा। तुमने ये क्या किया? मेरा बैग पानी में गिरा दिया। बैग तो पानी में बह रहा है। हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा।
दोस्तों इस नदी का बहाव बहुत तेज है। चलो जल्दी से उस बैग का पीछा करते हैं दोस्तों। अगर मेरा बैग नहीं मिला तो क्या होगा? मैं तुम्हें अपना बैग दे दूंगा नैनी, चिंता मत करो। नहीं, मुझे वही बैग चाहिए, उसमें मेरा जरूरी सामान है। बैग के अंदर क्या है? उसके अंदर ऑफिस का नया प्लान है। मैंने कल पूरी रात जाकर वो प्लान तैयार किया है, और तुम लोगों को क्या बताऊं? वो इतनी अच्छी स्टोरी है, तुम सुनोगे तो उसे सुनकर बहुत खुश हो जाओगे, और तुम लोग कभी ऑफिस खेलने से मना नहीं करोगे। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अचानक मेरे कंधे पर खुजली हो रही है। तो क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हम सब ठीक हैं। मेरे बैग का दर्द तो चला ही गया। पता नहीं बैग का क्या होगा। हम शायद ही पकड़ पाए। मुझे तो भूख लग रही है। चुप हो जाओ। अरे अरे, ये तो वो मछली है जो इस नदी में बहुत ही कम दिखाई देती है। मुझे मेरा बैग मिल जाएगा। बैग तो अपने आप ही वापस आ गया। हैरानी की बात है। चलो जल्दी से इसे बाहर निकालो, इतना आसान भी नहीं है। ये बहुत दूर है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम नदी में गिर सकते हैं। इसे भूल जाओ। बिल्कुल नहीं। मैं इस पेड़ को पकड़ती हूँ, तुम सब मेरा हाथ पकड़ो और उस बैग को निकाल लो। यहाँ नहीं, बैग उस तरफ है। मैं पहुँच नहीं पा रहा। एक दूसरे का कंधा नहीं, हाथ पकड़ना है। अरे मेरा हाथ तो बैग तक पहुँच गया। अरे बैग तो मेरे हाथ से छूट गया। माफ करना, मैंने सारी मेहनत बेकार कर दी। हमने काफी कोशिश की। अलविदा बैग, तुम याद आओगी। मैं तो बस अब यही सोच रहा हूँ कि नैनी क्या करेगी। इसमें तो ऑफिस का प्लान है, ये मुझे वापस मिल गया। अरे ये तो, इसका मतलब उसने खाली बैग फेंक दिया था। इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की थी, इसके मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। हमने तो बेकार में ही इतनी मेहनत की। कोई बात नहीं कजामा, अब तो हम फंस गए हैं। बस अब नैनी ये ना कहे कि चलो मिलकर ऑफिस खेले। चलो सफाई करते हैं। ओहो, सब कुछ कितना खूबसूरत है, कितना शानदार कमरा है। पर्दे का डिजाइन कितना लाजवाब है, कारपेट भी कितना नरम है। ओ, ये तो क्रिस्टल क्लॉक है। सोफा भी आरामदायक है। कितना अच्छा कमरा है, काश हमारा कमरा भी ऐसा ही होता। हाँ ऐसा हो सकता है, बस पर्दे बदलने होंगे और कारपेट भी बदलना होगा। और घर का सारा फर्नीचर भी। अरे वाह भैया, कितना बढ़िया है। ये शिनचैन भी ना। सुनो शिनचैन, इनमें से एक बॉक्स अपने खिलौनों के लिए चुन लो। क्या मुझे अपने खिलौने का बॉक्स बदलना होगा मॉम? हाँ शिनचैन, तुम जिस बॉक्स में अपने खिलौने रखते हो वो अब काफी पुराना हो गया है। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इन सब बॉक्स में से एक भी ऐसा बॉक्स नहीं जो मेरे खिलौने के बॉक्स से बेहतर हो मॉम। बेकार की बातें छोड़ो और इनमें से कोई एक बॉक्स चुन लो बेटा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं वो वाला चुनता हूँ मॉम।
लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। मेरे खिलौने भी तो बहुत सारे हैं ना मम। फिर भी तुम्हारे खिलौनों के हिसाब से काफी बड़ा है। ऐसे ही इतनी सारी जगह घिर जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसे चुन सकता हूं? हाँ, ये वाला ठीक रहेगा। यारे खिलौनो, चलो नए घर चलते हैं। आगे क्या कर रही है मम? इस पर कुछ लिखा हुआ था, इसलिए मैंने छुपा दिया। ये जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है मम। हाँ मुझे पता है। देखो अब कैसा लग रहा है? ये बहुत अजीब लग रहा है मम। क्या कहा? मेरे खिलौने को ये पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्या खराबी है इसमें? ठीक तो लग रहा है। मैं अपने खिलौने के लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहता हूँ मम। अब लगता है मुझे इसे खुद ही रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर देखो बेटा, शाम तक सारे खिलौने इस नए बॉक्स में शिफ्ट कर देना। ठीक है। हो गया। अरे ये क्या, तुमने अभी तक अपने खिलौने इसमें नहीं रखे? आपने इस पर एक अजीब सा टेप लगा रखा है। मुझे कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आ रहा। ये सब तुम बाद में सोचते रहना, पहले जल्दी से सारे खिलौने इस नए बॉक्स में रख दो। बेटा बेकार खिलौने इसमें मत रखना, उन्हें बाहर निकाल दो। क्या कहा, इनमें से बेकार खिलौने निकाल दूं? मां मेरा कोई भी खिलौना बेकार नहीं है। मेरी बात से तो इसका दिल उदास हो गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बच्चों के लिए तो कोई भी खिलौना बेकार नहीं होता। शिनचैन मैं तुम्हारी बात समझ गई, पर तुम्हारे पास ऐसे कई खिलौने हैं जिनके साथ अब तुम खेलते नहीं हो, तो वक्त आ गया है कि तुम उन्हें अलविदा कह दो। ये भी बेकार है, इससे तो मैं नहीं खेलता। तुम भी जाओ, मेरे पास बहुत ज्यादा ही है। मम जरा इसे देखिए, क्या आपको ये याद है? हैं? जब एक बार मुझे बुखार हुआ था तो डैड मेरे लिए ये खिलौना लाए थे। ओ तुम्हें याद है? उस दिन मैं समझ गया कि मेरे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। और ये वाला पता है, हिमावरी मेरे बिना मांगे मॉम ने मुझे ये दिला दिया था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन मॉम ने बहुत ही महंगे कपड़े खरीदे थे जो वो कभी नहीं पहनती, है ना मॉम? उस दिन मॉम ने शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, याद है हिमावरी? और मैंने आलू शिमला मिर्च से आलू खाकर शिमला मिर्च शीरो को खिला दी थी। बैम्बू कॉप्टर, चलिए मिलकर देखते हैं क्या ये अभी भी उड़ सकता है। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? ठीक है शिनचैन, अब सही खिलौने चुनने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो इस तरह हम खिलौनों को लाइन में रख देते हैं। देखो जब ये खिलौने किनारे तक आ जाए तब तुम चुन लेना कि तुम्हें वो खिलौना रखना है या नहीं। शुरू करते हैं। अरे तो ट्रेन जैसा है। देखो बेटा जल्दी से चुन लो, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? देखो देखो देखो, अब ये गिरने वाला है। ये वाला। अगला खिलौना चाहिए या नहीं? ये नहीं चाहिए। चलो अब इसके बारे में बताओ। ठीक है, ये हिमावरी का हो गया। मुझे ये वाला चाहिए। चलो चलो जल्दी जल्दी चुन लो बेटा। ये वाला चाहिए। ये भी। अरे अरे आराम से। सुनिए मम, मैं बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं, बाद में आराम कर लेना, पहले खिलौने चुनते हैं। अरे क्या हुआ, चुन क्यों नहीं रहे? सारे खिलौने नीचे गिर रहे हैं। हाँ हमें घर की भी कुछ बेकार चीजें फेंक देनी चाहिए। अरे हमारा काफी सारा काम तो हो गया, बस थोड़े से ही बचे हैं। ये तो फैन का रिमोट है, मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। आपने सही पहचाना। अब जाकर मिला है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। फिक्र मत कीजिए मम, गर्मियाँ फिर से आएंगी।
हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें इसे अपने खिलौनों के साथ रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी भला बेटा? ये बेकार सी चीज क्या है? उसे मत छू, ये मत। पता है ये क्या है? ये है चौको चिप से मिला हुआ एक नया स्टिकर। ऐसे 50 स्टिकर जमा करने से मुझे एक नया लंच बॉक्स मिल सकता है। अगर इतना ही जरूरी था तो इसे संभाल कर क्यों नहीं रखा? अब ये क्या चीज है? इसमें तो पैसे हैं। 1000 का नोट। अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया। पर ये आया कहाँ से? क्या तुम बताओगे कि ये तुम्हारे खिलौनों के बीच में कैसे आ गया? क्या तुम्हें ये नाना जी ने तो नहीं दिया? पता नहीं। मुझे अच्छी तरह से देखना होगा। नहीं है, नहीं है, कहीं फेंक तो नहीं दिए? मुझे बेकार खिलौनों के बीच में भी ढूंढना होगा। नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक ही नोट था क्या? तुम कुछ जानते हो? नाना जी मुझे बहुत याद आ रही।